कि 3 महीना के कोरोना वायरस के इस पूरे कार्यकाल में हमने सारे चिकित्सा सेवाएं एक प्रकार से ठप कर दिया था। इधर जैसे हमारा चौथा लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे गतिविधियाँ हमको पूरे प्रदेश में प्रारंभ कर लेते हैं, उसी के साथ स्वास्थ्य विभाग के इमरजेंसी सेवाएं हमें जितने भी हमारे सरकारी चिकित्सालय हैं, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राइवेट चिकित्सालय भी, उनका भी साथ साथ में इसमें प्रारंभ करना था। उसके लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रोटोकॉल जारी किया था और उसके प्रोटोकॉल के अनुसार हमने 28, 29, 30 अप्रैल में ये हमने प्रशिक्षण सभी डॉक्टर्स का करवाया है, प्राइवेट में भी और हमारे सरकारी में, और कैसे मरीज को देखा जाए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, इसका पूरा ट्रेनिंग प्रोसीजर ये, और एक मास्टर ट्रेनर हमने हर जनपद में तैयार कर दिया है, जो ACMO के अंडर एक नोडल अधिकारी, जो ACMO जो नोडल अधिकारी बने हैं, और उनके साथ एक समिति बना है जो इन सब चीज़ का परीक्षण समय समय पर और एक निरीक्षण भी करेंगे कि ये इमरजेंसी सेवाएँ हमारे कितने प्रारंभ हुए हैं और कितने चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ते हुए उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम होगा तो उनको भी साथ में प्रोत्साहन करना कि आप भी अपनी सेवाएँ शुरू कर दीजिए। इसका मेन उद्देश्य यही है, इसीलिए हम लोग कल से निकले हुए हैं, अलग अलग जनपदों में निरीक्षण करके इसका पूरा डेटा ले रहे हैं कितना कर रहे हैं, और उसको आगे जो कमियाँ आ रही है या जो समस्या आ रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए उसका भी निस्तारण करेंगे। वहीं से यहाँ जो सर आज आपने निरीक्षण किया उसमें क्या कमी आती है, यहाँ व्यवस्थाएँ कैसे होंगी? यहाँ तो इमरजेंसी सेवा चल रहे हैं, मैंने अभी इतने ज़्यादा संख्या में नहीं लोग आ रहे हैं क्योंकि ये समझ रहे होंगे कि अभी प्रारंभ नहीं हुआ पूरी तरह से, क्योंकि OPD हमने अभी बंद रखा है, OPD बहुत सीमित करना है, जो इमरजेंसी में आते हैं उन्हीं को थोड़ा OPD में जहाँ आवश्यकता पड़ता है उनको भेज देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ डिजिटल एक्सरे हमारा जो पहले से लगा हुआ था वो किसी कारण से बंद है, ये सूचना मिला है कि थोड़ा कहीं बकाया पेमेंट है या कुछ है, तो उसको मैं वहीं से लखनऊ से उसको मैं देख पाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, और जो कई अलग अलग चीज़ के मांगे वहाँ के CMO ने बोला कि यहाँ का अस्पताल काया क्लब के अंदर भी इसमें कुछ पाया था, इनक्वास के अंतर्गत इसका मैंने एक्रेडिटेशन हुआ था, सर्टिफिकेशन हुआ था, तो ये अच्छा अस्पताल चलता है, तो उनका कहना था कि यहाँ CT स्कैन भी लगना चाहिए, और अलग अलग लोगों ने जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं उन्होंने भी मांग किया था कि यहाँ रेल बसेरा भी बनना चाहिए, जनता काफ़ी आती है तो उनके लिए, और कुछ और भी CMS वहाँ के ने बताया था कि कुछ और चीज़ों को ऐड करने के लिए वहाँ पर रुके रहे, तो हमने उनसे बताया कि पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दें कि वर्तमान में आपके कितने विभाग चल रहे हैं और क्या आपको उस परिसर के अंदर और क्या ऐड करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल अच्छा चलता है, इंक्वायरी से सर्टिफिकेशन है, आगे इन लोग और भी आगे बढ़ाने वाले हैं, उस हिसाब से जो भी इसमें कमियाँ होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। कोरोना की जांच जो है इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है, आप लोगों ने ट्रूनेट मशीन लगाने का कुछ दिया? देखिए, कोरोना का जांच उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात की थी, जब 8 मार्च को हमारा पहला केस आया था तब हमारे पास एक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एकमात्र लैब था जो 200 से 400 का ही रिजल्ट देता था। आज 3 महीना में हमने अपना लैब 27-28 तक बढ़ा दिया और 8,000 से ऊपर प्रतिदिन हम टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद हम पूल टेस्टिंग जो हमने प्रारंभ किया था उत्तर प्रदेश में पहली बार, उसके माध्यम से करीब 1,500-2,000 और जाता है, तो लगभग 10,000 की टेस्टिंग हम अभी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में अभी बहुत सारे नए मशीन हमारे आ रहे हैं जिसमें हम अपने टेस्टिंग की कैपेसिटी और बढ़ाने जा रहे हैं, प्रयास हमारा है कि 12-13 हज़ार तक हम बढ़ा पाएँ, तो हफ्ते 10 दिन में हमारे पास 4-5 मशीनें और भी आ रही हैं, उससे हमारे टेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगा, और हम जो इधर देख रहे हैं जो कोरोना की भारी संख्या जो प्रवासी श्रमिक के द्वारा अन्य प्रदेशों से जो आ रहे हैं इन्हीं में ज़्यादा केस निकल रहा है, तो इनके अंदर रैंडम सैम्पलिंग कराने के लिए पूल टेस्टिंग और मेडिकल कॉलेजेस में उनका कैपेसिटी बढ़ाना, ये दो चीज़ पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या निकाल पाए जो कोरोना है। जिला अस्पताल के अलावा CHCO में भी इमरजेंसी सेवा शुरू होगी क्या? जी, जिला अस्पताल के अलावा CHC और जो PHC है वहाँ भी एमसी में तो अभी MBBS डॉक्टर कोर्स हो रहे हैं, कुछ तो हो गए, तो समान उसमें जो सुविधा देने लेकर वो तो है वो चला सकते हैं, और CHC में भी वही चीज़ मैं देख के भी आया, फरिंदा वाले CHC में मैं देख के आया था, तो समान जो इमरजेंसी सेवा है आपका कुत्ता काटने वाला दवाई जो है, ERV
वो चलना चाहिए, टीकाकरण चलना चाहिए, यहाँ पर आपका एआरवी सेंटर है सिंचाई वाला, ये चलना चाहिए और बाकी सब चीज़ें चलना चाहिए। ओपीडी छोड़ के हमारे सारे कार्यक्रम चलना चाहिए। ओपीडी हम लोग जल्दी इस पर निर्णय लेने वाले हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं जैसे हम लोग शुरू करेंगे काफ़ी भीड़ आ जाएगी, तो